टाटा मोटर्स ने अपनी सभी कारों की कीमत 19 जनवरी 2022 से बढ़ा दी है। तो चलिए जानते हैं कौन सी कार की कितनी प्राइस बढ़ी है। सबसे पहले एंट्री लेवल कार टियागो की बात करें तो टियागो अब आपको कुछ महंगी मिलेगी। इसका बेस मॉडल पहले 4,99,000 रुपये में मिलता था, जो 5,19,000 रुपये में मिलेगा, यानी 20,000 रुपये टियागो का बेस मॉडल महंगा हो चुका है। अधिकतम प्राइस 22,000 रुपये बढ़ी है टियागो की, जो टॉप मॉडल की है, और इसके अलावा जितने भी वेरियंट हैं उसमें भी प्राइस बढ़ी है, किसी की 5,000, किसी की 7,000, किसी पे 12,000, 20,000 और 22,000 के रूप में प्राइस बढ़ी है। इसका जो टॉप मॉडल है प्राइस की दृष्टि से वो है अब XZ प्लस CNG वेरिएंट, जो 7,53,000 रुपये में मिलेगा। इसी तरह से साथियों यदि सेडान टिगोर की बात करें तो इसका बेस मॉडल XE पहले 5.69 लाख में आता था, जो 12,000 रुपये महंगा होकर 5.79 लाख में आएगा। इसी तरह से कुछ अन्य वेरिएंट पर 7,000, 11,000, 12,000 और 15,000 रुपये बढ़े हैं। हालांकि जो दो वेरिएंट है उनकी कीमत नहीं बढ़ी है टिगोर में। टाटा की पंच की बात करें तो हमने वेरिएंट वाइज इसकी जो प्राइस बढ़ी है उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया, कौन से वेरिएंट पर कितनी प्राइस बढ़ी है उसकी बात यहाँ दोबारा नहीं करेंगे। वो वीडियो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं। हाल फिलहाल में आप जानते हैं टाटा पंच की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 5,49,000 रुपये के बजाय अब 5,64,000 रुपये हो चुकी है। 15,000 रुपये इसके बेस मॉडल की प्राइस बढ़ी है और ये अधिकतम बढ़ोतरी है। इसके अलावा कुछ वेरिएंट पर 10,000 और कुछ पर 11,000 बढ़े हैं। हालांकि जो टॉप मॉडल है टाटा पंच का क्रिएटिव, उसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में 10,000 रुपये प्राइस कम हुई है। टाटा की अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक, उसकी बात करें तो 5,89,000 रुपये में ये पहले आती थी, जो अब 5,99,000 रुपये में आएगी। इसका एक शोरूम प्राइस है बेस मॉडल का, यानी 10,000 रुपये कीमत बढ़ चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट पर, किसी पर 2,000, किसी पर 5,000, किसी पर 10,000, किसी पर 15,000 और किसी पर अधिकतम 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तीन वेरिएंट अल्ट्रोज के ऐसे हैं जिनकी कीमत घटी है, दो की 3,000 रुपये और एक वेरिएंट की कीमत 8,000 रुपये कम हुई है। अल्ट्रोज का टॉप मॉडल अब आपको 3,000 रुपये सस्ता मिलेगा। सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन की बात करें तो नेक्सन का पेट्रोल जो वेरिएंट आता है 7,29,000 रुपये में पहले आता था, उसकी कीमत भी 10,000 रुपये बढ़ के अब 7,39,000 रुपये हो चुकी है। इसके अलावा वेरिएंट पर कुछ पर 5,000, कुछ पर 8,000, कुछ पर 10 और कुछ पर 13,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की प्राइस की बात करें तो डीजल नेक्सन 9,59,000 रुपये में पहले आती थी, जो अब आपको 9,69,000 रुपये मिलेगी, यानी 10,000 रुपये इसकी भी बढ़ चुकी है। एरियर की बात करें तो ज़्यादातर वेरिएंट पर 10,000 रुपये बढ़े हैं, लेकिन जो टॉप तीन वेरिएंट है उन पर 15,000 रुपये एरियर पर बढ़े हैं। इसी तरह से एक और कार सफारी की बात करें तो सफारी यदि आप 7-सीटर खरीद रहे हैं तो आपको पुरानी कीमत पर ही मिलेगी, यानी उस पर प्राइस बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन यदि सफारी का 6-सीटर वेरिएंट आप खरीदेंगे तब आपको 15,000 रुपये महंगा मिलेगा। तो इस तरह से टाटा ने अपनी विभिन्न कारों की प्राइस बढ़ा दी है और उसकी जानकारी हमने आपको दी। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।